अच्छा भाई साहब, आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ, तो अभी अचानक से घर जा रहा हूँ। मेरा घर जाने का ये ना जाने का ये रीज़न नहीं था, मतलब आपको मैं इसलिए बता रहा था कि अगर मैं पहले वीडियोस में बता देता हूँ कि मैं घर जाऊँगा, मम्मा और उनको पता चल जाएगा, मेरी फैमिली को पता चल जाएगा। सो आज का मेरा बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक सिंगल बंदे को भी नहीं पता है कि मैं घर आ रहा हूँ, और मेरी पहली वीडियोस में बताने का यही रीज़न था कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, कि अगर मैं बता देता कि घर जा रहा हूँ, मम्मा और उनको पता चल जाता और फैमिली सभी वालों को पता चल जाता। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट। Hey everyone, you're Jacob Boy, Mr. Gopal Kalman Singh, and welcome back to your YouTube channel. नए राउंड के साथ, नई वीडियो के साथ आपके गफार व्लॉग्स में स्वागत है। पूरा एनर्जेटिक, क्योंकि सबसे बड़ी खबर मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। आपको पिछले दिनों में, पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए बता रहा था कहीं मेरे पेरेंट्स को, कहीं मेरी फैमिली को पता ना चल जाए कि मैं घर जा रहा हूँ। सो आज मैं सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ मम्मा को, बहुत बड़ा सरप्राइज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपकी वीडियो ये वाली देखनी देखनी है, तो आज मैं जाने घर जा रहा हूँ, सरप्राइज़ दे रहा हूँ। अवंतीपुरा से मैं निकल गया हूँ, अवंतीपुरा से मेरे घर का सफ़र कुछ 140 किलोमीटर्स है, और श्रीनगर से मेरे घर का रास्ते पे रास्ता मैं लाइक 170-180 किलोमीटर्स है। तो अभी हम शुपियाँ क्रॉस करके, शुपियाँ क्रॉस करके, पुलवामा क्रॉस करके हम एक जगह पे पहुँचे जो कि बिल्कुल रास्ते में आती है, हीरपुरा इस जगह का नाम है। अभी यहाँ पर ट्रक वगैरह बिल्कुल खड़े हैं, जाम लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब आ रहे हैं, उसकी वजह से ये ट्रक्स वगैरह का जाम लगा हुआ है। तो ये मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं, रास्ते में आपको दरगाह भी बताऊंगा, आपको दरगाह भी बताऊंगा, एक बहुत बड़ी दरगाह है रास्ते में आती है, और ये मार्केट भी, हीरपुरा भी एक्सप्लोर करते हैं, और वीडियो की शुरुआत भी करते हैं अभी। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है तो जुड़ जाइए गफ्फार व्लॉग्स के साथ। कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन को सिर्फ ऐसे करना है। पूरा मार्केट में हम रुके हुए हैं यहाँ पे, और मेरे कुछ जान पहचान के बंदे भी हैं यहाँ पे। बाय, हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हीरपुरा में एक ही दोस्त, एक ही बार पहले कांटेक्ट हुआ था, बाकी इस जगह पे मेरा कोई खास कांटेक्ट नहीं है। हीरपुरा से है आरजे बासु, इनका नाम है आरजे बासु, राइट? बिल्कुल, आरजे बासु इनका नाम है, और ये मीडिया पर्सन है। आई थिंक इनका एक चैनल भी है, डेली मंच, द डेली मंच ये चलाते हैं, और ये हीरपुरा और शुपियान पूरा इसको हैंडल करते हैं। और बाकी बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपका भी दोबारा से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा से मुझे अपने इस फ्रेम में लाया है। तो अभी आप देख ही रहे हो कि अभी यहाँ दरमादा ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, क्योंकि आज यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होने जा रहा है जम्मू में, अमित शाह साहब को वहाँ पे आना है। बिल्कुल। तो इन ड्राइवर हजरातों की, अच्छा, ये सारे ड्राइवर हजरात है, इनके गाड़ियों में अभी सेब भरे हुए हैं, इन्होंने कश्मीरी से सेब लाए हैं, और उसमें से कुछ सेब की क्वालिटीज होते हैं, जैसे एक नंबर, दो नंबर, ठीक है, तो कुछ गाड़ियों में दो नंबर, जिसको हम गिरान कहते हैं, और वो पूरा गिरान जो है अभी दरमादा पड़ा हुआ है इस मगर रोड पे, और उसका एक एक्सपायर डेट होता है, एक्सपायर डेट में वो 3 दिन के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचना चाहिए। तो अभी ये 2 दिन से यहीं पे फंसे हुए हैं, अभी और 2-3 दिन लगे इनको दिल्ली तक, तो समझ लो वो जो गाड़ी में जो सेब है वो पूरा खराब हो गया है। ये तो यहाँ पे बेचारे तो फंसे हुए हैं, मैं वहाँ से निकल आया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, पता नहीं घर पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। अभी निकल तो आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि जाम ही जाम लगा हुआ है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कश्मीरी स्टाइल वेसल्स, ये बर्तन वगैरह ये सारे हैंडमेड हैं, सारे सारे। और ये जो होती है हमारे पास, अगर आप कभी भी किसी कश्मीरी के घर जाओगे और इसे हाथ दिलवाते हैं, ये होता है, इसमें पानी होता है, ये होता है इसमें हाथ दिलवाने के लिए, वो आता है हाथ दोनों नीचे रख के वो करते हैं। तो ये सारे हैंडमेड, ये लकड़ी के बने हुए ये पॉट्स, सब लकड़ी के, ये किश्तियाँ, सब कुछ ये। और मैं सोच रहा हूँ मेरे एक
बांजा है, सिस्टर का बेटा है, उसके लिए मैं कुछ लूँगा। उसको गाड़ियाँ बहुत पसंद है, ट्रक पसंद है उसको, ट्रैक्टर्स पसंद है, छोटी गाड़ियाँ नहीं पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से ही कुछ लेने की। ये कांगड़ी कश्मीरी फैमिली फेमस कांगड़ी होती है। गर्मियों में आप लोग तो हीटर रखते हो, हम लोग कश्मीरी जो होते हैं ये कांगड़ी का यूज़ करके बिस्तर में रखते हैं। आप कभी कोशिश मत करना इसको रखने की, अब टेक्निक्स होती हैं, कभी बिस्तर में रख के बिस्तर मत जला देना। ये टोकरी वगैरह, और ये जो होता है इसमें अगर आपको कुछ मतलब गंद निकालना हो, कुछ मतलब लाइक राइस डालोगे इसमें उसको छानने के लिए, बीच में से पत्थर निकालने हो तो इसका यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको फेंकते हैं। लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, मेरा कश्मीर, मेरा। अच्छा मैंने कुछ सामान लिया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हीरपुरा मार्केट से, ये इन्हीं सर की शॉप से, ये काजू, ये क्या है, किशमिश, किशमिश है, पिस्ता, ये पिस्ता है, तो ये भी पिस्ता है, और ये बादाम, ये बादाम है, ये मिक्स्ड है, और ये भी ये फ्रूट मिक्स है, और ये शायान के लिए लिया मैंने, ये अच्छा है, मतलब टूटेगा भी नहीं, टूट तो जाएगा उसके हाथों से तो कोई चीज़ रुकती नहीं। शयान मेरे सिस्टर का बेटा है, उसके लिए ले जा रहा हूँ, और मेरे लिए इजी है क्योंकि बैग में डालना बड़ी चीज़ मुश्किल हो रही है, तो मैंने कहा ये चलो छोटा ही लेके जाते हैं फिलहाल। तो ये सर आप इसको पैक कर दीजिए। और मैं आपको ये बात बता रहा था, ये सामान है जो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इससे आधा सामान है जो शिहाब भाई के लिए लेके जाऊँगा। आप दुआ करें जल्दी जल्दी मैं मम्मा से मिल लूँ, जल्दी मेरा काम जो कुछ भी है तो मैं निकल जाऊँ शिहाब भाई के पास। अच्छा जनाब, हालत हमारी पूरी ख़राब हो गई है, जाम में फंसे हुए, एक बज गया दिन का, और कह रहे हैं कि अभी तक गाड़ियां नहीं छोड़ेंगे। दो भी बज सकते हैं। मैं और अंसार भाई कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा आगे जाने के, लेकिन आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे भी हमें रोकेंगे। तो फिलहाल अच्छा हम ट्राई कर रहे थे जाने की, क्योंकि पीछे से एक आदमी पुलिस वाले ने हमें भेज दिया था, लेकिन यहाँ पर आके फिर से रोक दिया हमें, और हमारी बाइक की चाबी है जो छीन ली गई है। अगर आप देखेंगे तो हमारी बाइक की चाबी यहाँ पर नहीं है, यहाँ से पुलिस वालों ने छीन ली गई है। वो कह रहे थे कि आपको नहीं भेजेंगे अभी, जब तक सारी गाड़ियाँ नहीं जाती है तो तब तक हमें नहीं भेजेंगे। तो चलिए हम भी वेट करते हैं, डेढ़ बजे की बोल रहे हैं कि डेढ़ बजे छोड़ेंगे, तब तक हम भी वेट करते हैं क्या मसला है, हमें छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। फाइनली हमारी गाड़ी भी निकल पड़ी है, बहुत खुश हो गया हूँ, मम्मा से मिलने जा रहा हूँ। माय गॉड, चाबी तो मैंने छीन ली थी लेकिन उन लोगों ने वापस दे दी। तो मैं बता रहा हूँ कि हम वाया मुगल रोड जा रहे हैं। मुगल रोड एक ऐसी रोड है जो कि कश्मीर वैली को कनेक्ट करवाती है जम्मू के दो डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पूंछ, और मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ में रहता हूँ।
अच्छा जनाब, चलते चलते हम पीर गली पहुंच गए। यहाँ से 70 किलोमीटर है जहाँ पे मेरा घर है, और यहाँ से 50 किलोमीटर सुरनकोट है। और ये जहाँ पे हम पहुँचे पीर की गली, ये जो पीर की गली है इसको पीर पंजाल पास भी कहते हैं। कश्मीर वैली है जो ख़त्म हो जाती है, और इससे आगे ये जो पास है जम्मू के दो डिस्ट्रिक्स, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी को मिलवाता है। और मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे ये किस में आते हैं, जम्मू रीजन में आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमें श्रीनगर से यहाँ पे आना होता है वो हमारे लिए कम डिस्टेंस पड़ता है, और अगर हमें प्रॉपर जम्मू से हमारे घर पे जाना होता है वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब जब आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, किसी को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं जम्मू से हूँ। पर जम्मू भी अलग से डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू से आगे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट से हमें आगे जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक गांव है मेंढर, वहां पे जाना पड़ता है, वो 250 किलोमीटर के करीब करीब है, तो 250 किलोमीटर वहां जाना पड़ता है। और अगर हमें श्रीनगर से हमारे घर की तरफ जाना होता है वाया जम्मू से, तो 500 किलोमीटर पड़ेगा हमें, 500, लेकिन वो हमें ज़्यादा लंबा पड़ता है। और ये रोड है जो वाया मुगल रोड, मुगल रोड है, ये बहुत ही डेंजरस रोड है। मतलब यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, बहुत लोगों की डेथ्स भी हुई है यहाँ पे, और बहुत नीचे गहराई में, बहुत दूर दूर, मतलब रोड के अगर एक बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा होता है, अल्लाह करे ना कुछ हो ऐसा, अगर गाड़ी नीचे चली जाती है तो मुश्किल है उसका, नामुमकिन है उसका मिलना, मतलब इतना गहराई में है ये रोड। इस रोड को ज़्यादा देर नहीं हुई है, कम से कम 15-16 साल हो गए होंगे इस रोड को बने हुए, बहुत लोगों के एक्सीडेंट्स हुए और बहुत लोगों की मौत भी हुई है। और मैं बता रहा था कि ये जो ज़्यारत है, इस ज़्यारत का नाम है पीर बाबा शेख करीम की ज़्यारत है, और यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, जैसे कि हर ज़्यारत पे आते हैं, यहाँ पे भी हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जब कभी भी आएँ आप, किसी भी मौसम में आएँ, चाहे वो जून हो, जुलाई हो, जितनी मर्ज़ी गर्मी का मौसम हो, यहाँ पे आप आएंगे तो सर्दी बहुत लगेगी आपको, जैकेट्स के बगैर कभी भी मत आइएगा यहाँ पे। दूसरी बात ये मैं बता रहा था कि आप जब कभी भी पीर गली पे आएँ यहाँ पे, यहाँ पे कावा टेस्ट कीजिए, कावा मिलता है, उसके साथ सत्तू मिलते हैं, वो कुछ होता है, आटे का होता है, बहुत मज़ा आता है, गरम गरम होता है, और सारे आगे लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, और उस कावे को भी हमने भी इंजॉय किया। सो माशाल्लाह, ज़्यारत तो मैंने आपको करवा दी, ज़्यारत के पीछे का ये देख लीजिए, कुछ ऐसा व्यू है, ऐसा नज़ारा है, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से फैमिलीज आती है, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पे सीख भी मिलती है, यहाँ पे कबाब भी मिलता है। सीख कितने की है? 40 रुपया रोटी चटनी साथ। और कबाब? बस एक वो भी है। अच्छा, ये रोड हमें शॉर्ट तो पड़ती है, लेकिन सर्दियों में ना, लाइक दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मिडल मार्च तक ये बंद हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, और इस बारिश से रोड पे ख़तरा बहुत रहता है। आप ये देख सकते हैं इस रोड पे लैंड स्लाइडिंग होती है। और मैं अगर आपको बताऊंगा कि एक जई साहब थे हमारे एरिया के, थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, जई यूनस नाम था उनका, उनका भी आगे सेक्टर आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। उनकी डेथ हो गई थी, ऐसे गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते ऊपर से पत्थर आया, तो वो जगह पर ही उनकी डेथ हो गई थी। और ये रोड 4 महीने इसीलिए बंद रहती है। कभी भी आप, अगर आप इस मुगल रोड से आना चाहो या जाना चाहो कश्मीर वाली साइड, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इन 4 मंथ्स में मत आइए, क्योंकि ये रोड क्लोज होती है, क्योंकि बहुत खतरा रहता है तो उस टाइम के बीच में। ER यूनिस सेक्टर एंड्स। अच्छा, मैं ये बताता हूँ कि ये इंजीनियर साहब ER यूनिस सर का सेक्टर है, मींस ये 2-3 किलोमीटर्स के एरिया में था, जहाँ से जिन्होंने काम किया था, जो उनके अंडर आता था, जहाँ पे वो काम करवाते थे, जहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि वो एक बार गाड़ी से कहीं जा रहे थे, इसी एरिया में गाड़ी से कहीं जा रहे थे, और चलते चलते क्या हुआ कि ऊपर से, मैंने कहा ना बहुत ख़तरनाक रोड है, और ऊपर से एक बड़ा पहाड़ आया उस गाड़ी के ऊपर लगा, और वो गाड़ी में ही उनकी डेथ हो गई थी। सो बड़ा दुखद कहानी थी, और बिल्कुल ये हमारे घर के पास रहते थे, और ये उनकी यादगार बनाई गई हुई है, अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है यूनिस मेमोरियल इन द लविंग मेमोरी ऑफ ER मोहम्मद यूनिस मुगल AEE हु लॉस्ट हिज लाइफ वाइल ऑन ड्यूटी एट दिस लोकेशन 21/6/2010 में ये सब कुछ हुआ था। Thank you.
अच्छा जनाब, रात के बज चुके हैं 7:30। मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ। 100 मीटर्स दूर मेरे भैया हैं, उनकी मेडिकल शॉप है मेडिको से। वो सबसे पहले देता हूँ भैया को सरप्राइज़, फिर उनके साथ सेटिंग करता हूँ। रात हो गए तो लाइट तो अच्छी से नहीं होगी, पर मैं कोशिश करूँगा उनसे सारा सेटिंग करके उनको आगे भेज के लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम करके, क्योंकि फेस पे लाइट है जो अच्छी से पड़नी चाहिए। बहुत एक्साइटमेंट है, पूरा एक्साइटेड हूँ। पहले मिलूँगा भैया से जाके, फिर उसके बाद मम्मा से मिलता हूँ। सो चलिए पहले चलते हैं भैया की तरफ, क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहला सरप्राइज तो भैया को हो गया, बहुत खुशी। कैसा लगा जनाब? बहुत मजा आया। बहुत खुशी हुई। तो अभी नेक्स्ट रहेगा, इन्हीं के साथ सेटिंग करता हूँ। आपने आगे जाना है, घर में लाइट वगैरह का इंतजाम करना है पूरे तरीके से सेटअप करके, और मम्मा को सरप्राइज देना है हमने। ठीक है, तो चलिए आप मम्मा की तरफ बढ़ते, लेकिन उससे पहले मेरे कजन से चाचू का घर है, वहाँ पे भी हम करते हैं। ये था मेरा सेकंड सरप्राइज। ये है मेरी आंटी मतलब चाची, और ये है चाचू के बेटे। चाचू ने मुझे पहले ही बार देख लिया, ओ खड़े हो गए यार, इतनी खुशी है। मुझे ऐसे पीछे देख रहे, मेरा उसे मुंह छुपा रहा, लेकिन वो देख रहे हैं। चलो वो भी आ जाएंगे। अभी थर्ड सरप्राइज है, मम्मा को देना है। थोड़ी देर के बाद हम मम्मा की तरफ निकलते हैं इंशाल्लाह। सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, बात तो नहीं आ रही बात और से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वो
बहुत मुश्किल हो रही थी, कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो गया था इनको, लेकिन फिर से बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके इनका डाउट है जो मैंने ख़त्म करा था। भैया को बोलो कि कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो फिर भी थोड़ा सा डाउट इनको था, देख के वो थोड़ा सा शॉक हो गए। और कैसे रहा, याद किया मुझे? चल रहे बहुत की। तो बता रहा था आपको पहले कि मैं आपको बार बार वीडियो में बताता था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ। यही रीज़न था कि कहीं मम्मा को डाउट ना हो जाए कि मैं घर जा रहा हूँ, और यही रीज़न था मम्मा से मिलने का। इमाम साहब नाराज़ हो रहे थे, लेकिन इसको नाराज़गी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था कि वीज़ा नहीं लग रहा है उनका, हमें ये पता होता तो हम बिल्कुल वहाँ से हटते नहीं। हमें तो ये बताया जा रहा था कि सिक्योरिटी रीजन्स है, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो बस मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, एक दो दिन रुकूँगा मम्मा के पास और वापस में शिया भाई के पास जल्दी जाने वाला हूँ। कैसा लगा आपको ये सरप्राइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन इस बार मैं नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस बार मेरी मम्मा बोलेंगे, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने करना ही है चैनल को। सो चलिए बस यही था आज का दिन, बहुत मजा आया, बहुत मुश्किल से रात से, अभी शायद हम क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे आपको। बस यही था आज का दिन, मैं मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और वही मैसेज जो हमेशा मैं आपको देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।